मैं हूँ कादरी सुन्नी चलते है कहना अली बोला अली बोला अली दम दम अली बोला अली बोला अली दम दम लखत करोड़ वालिया तो दम दम तुझे देखा सांसे मुझे आती अब कम धड़कन रुक गई निकले ना दम दिल गया ले गया सनम। नात की बेद भी है गाने की तर्ज पे नाते बनाना, ये ठीक नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय YouTube चैनल स्टार किंग। तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं मैं, क्योंकि आपने मेरे पिछले वीडियो को जितना प्यार दिया इसलिए मैंने काफी रिसर्च की और आपके लिए एक और ऐसी वीडियो बनाई। ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो से थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं नातों की। नातों को मैं बुरा नहीं कर रहा, क्योंकि नातें कुछ ऐसी भी हैं कि जिन्हें अगर आप सुने तो दिल तड़प जाता है, आंखों से अश्क बहने जारी हो जाते हैं और बस एक ही सदा दिल से आती है कि काश सरकार द्वारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना बुला लें। लेकिन कुछ नातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें सुनने के बाद, वो नातें जिन गानों के टोन पर बनाई गई हैं, उन गानों का जो है वो जिक्र आ जाता है जहन में। राहत फतेह अली खान जो कि पाकिस्तान के एक नंबर सिंगर है, उन्होंने 2010 में बॉलीवुड मूवी दबंग के लिए एक गाना गाया जिसका नाम था तेरे मस्त मस्त तो नैन, जो कि पिक्चराइज किया गया था सलमान खान के ऊपर। और ये गाना देखने के बाद मेरे जैसे जो 8-9-10 साल के जो बच्चे थे वो कॉलर के पीछे चश्मा लगाए जो है वो पागलों की तरह घूमते फिर सके। खैर वो एक अलग मसला है। तेरे मस्त मस्त तो मेरे दिल का ले गए मेरे दिल का ले गए तेरे मस्त मस्त तो। ये गाना जब सलमान खान में पिक्चराइज किया गया उसके बाद ये गाना काफी फेमस हो गया इस मूवी का। तो पाकिस्तान के नात खां जनाब अलहाज ओवैस रज़ा कादरी साहब ने इसकी मकबूलियत को देखा और उसके बाद उन्होंने एक नात बनाने का फैसला कर लिया जिसका नाम है सरकार का मदीना। आप खुद ही इस नात को सुने और फैसला करें कि क्या मेरी बात सच है या झूठ। सरकार का मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना। तेरे मस्त मस्त दो मेरे दिल का ले गए छे, मेरे दिल का ले गए छे, तेरे मस्त मस्त दो। मशहूर गानों की जो तर्जे हैं कि सुनते ही फौरन जहन गाने की तरफ चला जाए और ना चाहते हुए भी आदमी कुछ और तस्वीरात उसके जहन में आ जाए, ये मुनासिब नहीं है। यह 2000 में एक पाकिस्तानी मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था मिस्टर फ्रॉडी। इसका एक गाना काफी फेमस हुआ जो कि गाया था पाकिस्तानी सिंगर शबनम मजीद ने। इस गाने का नाम था दिल चीज क्या है ये चाबी तुम्हारी है। और इस गाने की फेम को देखते हुए पाकिस्तानी नात खां कारी शाहिद महमूद कादरी साहब ने इसके ऊपर एक नात बना दी। इस नात का नाम है महफिल विच आका दी कल बात जरूरी है। आप खुद ही सुने और फैसला करें क्या इस नात को सुनने के बाद मदीने का तसव्वुर जहन में आएगा या जिस गाने पे ये नात बनाई गई है उस गाने का। महफिल विच आका दी कल बात जरूरी है, जे ईद जरूरी है, शब रात जरूरी है। ये लोटा पाक अभी बाजार से खरीद के लाया हूँ लेकिन नहीं उसमें अब दूध नहीं पिया जा सकता। जो तर्ज मुतवज्जल हो गई है किसी गाने के लिए अल्लाह के नबी की नात का तकद्दस ये है कि उस तर्ज में फिर नात ना पड़ी जाए। 1992 में जूही चावला की मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था बेवफा से वफा। इसका एक गाना काफी फेमस हुआ हम जैसा आपको कहीं दिलबर ना मिलेगा। तो इस गाने की फेम को देखते हुए इंडियन नाथ को दिलबर शाही ने इसके ऊपर एक कलाम बना दिया माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी। अब आप खुद ही फैसला करें कि क्या ओरिजिनल है और क्या कॉपी किया गया है। हम जैसा कहीं आपको दिल पर न मिले
मैं आपको नात का एक ऐसा जुमला बताने जा रहा हूँ जो कि अगर आप तन्हाई में पढ़ें तो आपका दिल जो है वो मदीने को देखने के लिए तरस जाए। और वो इस नात का जुमला जो है वो ये है कि मैं तड़प कर यहाँ मरना जाऊं कहीं, मेरे मौला मदीने बुला लीजिए। लेकिन इसको जब आप सुनेंगे, मैं तड़प कर मरना जाऊं कहीं, मेरे मौला मदीना बुला लीजिए। आजकल के बच्चों को पता नहीं हो, लेकिन जिन्होंने ओरिजिनल गाना सुन रखा है उनके जहन में इस नात को सुनने के बाद मैं तड़प कर मर न जाऊं कहीं। आजकल कुछ नातों को लोग गाने की तलब में पढ़ते हैं वो नजायज। 2004 की आई एक मूवी, उसका तो आपने जरूर देखी होगी। ये एक बॉलीवुड मूवी है और इस बॉलीवुड मूवी का एक गाना तो आपने जरूर सुना होगा। इस गाने का नाम है तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। इस गाने की पॉपुलैरिटी और फेम को देखते हुए जाकिर कामरान अब्बास ने इसकी टोन को ट्विस्ट करके कुछ अलग ही चीज बना दी। आप खुद ही सुने और फैसला करें। विलायत अधूरी, शराफत अधूरी, अली के बिना है इबादत अधूरी। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। 1972 की एक क्लासिक बॉलीवुड मूवी जिसका नाम था पाकीज़ा, इसका एक गाना जो कि आज की जनरेशन भी सुनती है। इस गाने को गाया था बॉलीवुड की लेजेंडरी सिंगर दी नाइटिंगेल लता मंगेशकर ने। इस गाने का नाम है यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। इस गाने की फेम और पॉपुलैरिटी को देखते हुए हाफिज ताहिर कादरी ने कॉपी कर दिया, इसको नात बना दी इसकी टोन पे। और उस नात का नाम है मेरी बात बन गई है तेरी नात पढ़ते पढ़ते। खुद फैसला करें कि ये सही है क्या गलत। मेरा सवाल बस यही है, मेरी बात बन गई है तेरी नात पढ़ते पढ़ते। मिल गया था राह चलते चलते। पाकिस्तान के एक नंबर गुलकारा नाजी हसन का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने अपने इलस्ट्रियस करियर में काफी सारे हिट और मशहूर गाने दिए और अनफॉर्चुनेटली इनके करियर पीक पे ही ये वफात पा गई। इन्होंने बीटीवी के लिए एक गाना गाया और करियर प्यार दिया गल्ला। लेकिन इस गाने की टोन को भी कॉपी करके इस पे एक नात बना दी गई। नात का नाम है करके नबी दिया गल्ला। अब आप खुद फैसला करें क्या ओरिजिनल और क्या कॉपी। करिए प्यार दिया गल्ला, तो करिए प्यार दिया गल्ला, तू मेरा दर्द बना दे हम ना दे तेरे दर्द बना वा। तो सलमान खान करीना कपूर की एक मूवी बॉडीगार्ड, ये मूवी तो आप लोगों ने देखी ही होगी क्योंकि ये सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी थी और इसके गाने भी काफी हिट थे। इसका एक गाना था तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। ये गाना उस वक्त हर निर्भी के फोन के रिंगटोन हुआ करता था। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। ये गाना उस वक्त इतना फेमस था कि इसकी फेम को देखते हुए इसकी टोन को भी कॉपी कर लिया गया। और इसकी टोन को कॉपी करके जश्न सावरी ने बॉलीवुड में एक नाम बना दी जिसका नाम था आया रमजान रहमत वाला। आया रमजान रहमत वाला तेरी इनायत या अल्लाह, माहे रमजान की हम रहमत पाएंगे। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये इन्होंने इस रमजान जैसे मुकद्दस महीने का एहतराम भी ना किया और इसके ऊपर एक गाने की टून से चुरा के इसके ऊपर एक नात बना दिया। आप खुद फैसला कर दिए
क्या ये जायज है? 2002 में एक पाकिस्तानी मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था दुपट्टा चल रहा है। इस मूवी का एक गाना काफी फेमस हुआ, इस गाने का नाम था हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। इस गाने को भी नाबख्शा गया और इसकी टोन पे एक नात बनानी गई। इस नात का नाम है जिक्र खैरुल वरा बेखतर कीजिए। जिक्र खैरुल वरा बेखतर कीजिए, हाँ यही काम शाम सहर कीजिए। हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद किसी को डिग्रेड करना या किसी की तिले जारी करना नहीं था, बल्कि आपको ये समझाना था कि अगर नात रमजान के बारे में है तो उसकी धुन जो है वो उसे किसी और गाने की याद आ जाती है वो सुन के। और अगर इसमें जिक्र हजरत अली जैसी बहादुर शख्सियत का हो रहा है जिन्होंने बाब खैबर को उखाड़ के फेंक दिया, अगर ऐसी शख्सियत को छोड़ के किसी गाने का ध्यान अगर जहन में आ रहा हो तो क्या ये सही है? मेरा मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं था, क्योंकि आपकी कोशिश बड़ी बहुत ही अच्छी है, आपकी आवाज अच्छी है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा। लेकिन ये नाते सुनने के बाद जो तसव्वुर हमारे जहन में आ रहा है गानों का, ये सही नहीं है, ये जायज नहीं है। क्योंकि नाते, देखें नातों को मैं बुरा नहीं कह रहा, क्योंकि नाते कुछ ऐसी भी हैं कि जिन्हें अगर आप सुने तो दिल तड़प जाता है, आंखों से अश्क बहने जारी हो जाते हैं और बस एक ही सदा दिल से आती है कि काश सरकार द्वारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना बुला लें। तो नात को पढ़ना या नात को सुनना कोई गलत नहीं है, नात की कोशिश गलत है। अगर आप नात को अपने अल्फाज और अपनी धुन में यानी अपनी टोन पे पेश करें तो उससे ज़्यादा बेहतरीन कोई बात ही नहीं है। अगर किसी का दिल दुखा हो तो मैं इसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।